हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है ये पार्ट टू वीडियो का, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट टीवी शोज। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, और उससे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। विदाउट फर्दर अडू, जल्दी से इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपना फेवरेट टीवी शो, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे और क्या देखना चाहिए, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अगली मुझे फ्लीबैग बहुत अच्छी लगी। फ्लीबैग एक लड़की की स्टोरी है, जिसको लोग पागल किस्म का ही समझते हैं, स्पेशली उसकी फैमिली उसको समझते हैं कि यार बहुत ज़्यादा लापरवाह है। उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, एंड वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ का जिम्मेवार अपने आप को मानती है, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया है। और उसकी स्टोरी चलती है, उसकी सिस्टर है, उसकी फैमिली है। I know people in this building. Anyone can come. Hi, Claire. Hello, Leslie. Well, that's lovely. What is that? इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि जो गर्ल है मेन करेक्टर, वो हमारे साथ आई टू आई कांटेक्ट बात करती है। वो हमें कोई स्टोरी बता रही है तो हमारे कैमरे के साथ आई कांटेक्ट करके वो कहती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और तो इससे ऐसे लगता है कि आप उसके साथ उसके फ्रेंड हैं और उसके साथ उसकी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ कनेक्ट करती है। I sometimes worry that I wouldn't be such a feminist if I had bigger tits. और अजीब है पर इंटरेस्टिंग है। मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं उस टॉपिक की, उस डायरेक्टर की और भी चीज़ें देखना चाहती थी, और मुझे मिली नहीं, पर मैं वैसी ही थीम की और भी चीज़ें देखना चाहूँगी। सो फ्लीबैक ऑल राइट। कुछ ओल्ड वेब सीरीज मैंने देखी, उस पर डेस्परेट हाउस वाइफ्स हैं। डेस्परेट हाउस वाइफ्स मुझे लगता तब आया करता था जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे। मैंने एक दो बार टीवी के चैनल्स को स्विच करते हुए देखा भी था, पर मैंने लगा कि यार मेरे नहीं मज़ेदार लगेगा। पर एक दो एपिसोड देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया उसमें। वो एक्चुअली चार फ्रेंड्स की स्टोरी है, जो एक ही मोहल्ले में रहती हैं, एक ही गली में रहती हैं। उनकी फैमिली लाइफ है, उनकी फ्रेंड्स वाली लाइफ है, कैसे वो अपनी फैमिली को डील कर रही हैं, कैसे उनके साथ और मुद्दे हो रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा मुझे। लाइक फैमिली किस्म की ड्रामा सीरी है। मुझे लगता है जो हाउस वाइफ्स हैं या जो मम्मियाँ हैं मेरे जैसी, उनको शायद वो वेब सीरी अच्छी लगेगी, क्योंकि आप रिलेट उन लेडीज़ के साथ आप रिलेट कर पाते हैं कि या मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। Of course, everything seemed quite normal at first. Waffles? I made breakfast for my family. I performed my chores. I completed my projects. I ran my errands. In truth, I spent the day as I spent every other day, quietly polishing the routine of my life until it gleamed with perfection. That's why it was so astonishing when I decided to go to my hallway closet and retrieve a revolver that had never been used. So काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो वेब सीरीज, और उसके काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, तो आपके पास काफ़ी समय तक चीज़ें रहेंगी देखने के लिए। अगली मुझे गोल्डन गर्ल्स बहुत अच्छी लगी। गोल्डन गर्ल्स मुझे लगता है 60s-70s का टीवी शो है। उसमें तीन ओल्ड लेडीज़ हैं, एक्चुअली चार ओल्ड लेडीज़ हैं, तीन इसलिए क्योंकि तीन फ्रेंड्स हैं और एक जो फोर्थ है वो मदर है, सोफिया पेट्रुलो, जो अपनी हमेशा पुरानी गाँव की स्टोरी सुनाती रहती है। वो डॉर्थी की मदर है, एंड उनकी एक और फ्रेंड है रोज़, एंड अदर फ्रेंड है ब्लैंच। ये चारों फ्रेंड्स हैं, ये बुड्ढी हो चुकी हैं और एक साथ रहती हैं। जो ब्लैंच है उसका घर है, उसने इन तीनों को किराए पर रखा हुआ है। जो ब्लैंच है उसकी जो फैमिली है, उसका हस्बैंड मर्ज, इन सारे के पति नहीं हैं, और ये सारे ने अपनी अलग से लाइफ बना ली है कि कैसे वो फ्रेंड्स के साथ रहेंगी एंड अपनी ज़िंदगी जिएंगी। वो डेट्स पे जाती हैं, केक खाती हैं लेट नाइट, और अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हैं। उनके बच्चे दूर दूर रहते हैं, कभी उनको मिलने भी आते हैं, उनके साथ भी समय स्पेंड करती हैं, पर अकेलों ने अपनी इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी लाइफ बना ली है। जो ब्लैंच है उसको डेटिंग का बहुत शौक है, तो उसे कोई ना कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। वो कोई भी वीकेंड बिना बॉयफ्रेंड के नहीं गुजारती है।
And I wouldn't risk getting the rest of you sick. Oh, you don't have to worry about me, honey. I never get sick. I take very good care of myself. I treat my body like a temple. Yeah, open to everyone, day or night. पर एंड ऑफ द डे वो है बहुत प्यारी, जैसी भी है पर दिल की बहुत अच्छी है. जो डॉरथी है वो काफ़ी इंटेलिजेंट किस्म की है, उसके पास हर चीज़ों के आंसर्स होते हैं. Blanche, what exactly makes you think he's your man? Who? Maybe the fact that I found him first? Who? What about the fact that he dumped you for me? Who? Laszlo, ma. Who's Laszlo? A Hungarian artist we've all been posing nude for. In the future, a simple none of your business Sophia will suffice. So, जो रोज है वो बहुत ही ज्यादा चुलबुली एंड बच्चों जैसी है. सो वो एक अलग सा माहौल बना के रखती है. जो सोफिया पेट्रुलो है वो मदर है एंड वो अपनी समझदारी उन पर डालती रहती है और कई बार बहुत इनोसेंट एंड क्यूट बन जाती है एंड इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टीवी शो है ये. Well, you're awfully cranky today. Well, forgive me. My arthritis is bothering me. My social security check was late. And I realized today I haven't showered with a man in 22 years. Ma, Pop's been dead 27 years. What's your point? Fasten your seatbelt, slut puppy. इसने मुझे अपने साथ काफ़ी समय तक बांध के रखा. मुझे ओल्ड चीज़ें बहुत पसंद है. मैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ें भी देख सकती हूँ. ये ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है पर अच्छी है. एक मैंने वेब सीरीज देखी अमेज़ॉन पे जिसका नाम है फॉरएवर. वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है जिसमें उनकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है. उनका कोई किड नहीं है पर उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है. हर दिन सेम चल रहा है. वो वेकेशन पे एक कॉटेज में जाते हैं जहाँ पे वो फिशिंग करते हैं. हस्बैंड कुक करता है, वो खाती है. चलती जा रही है लाइफ. उसकी वाइफ को लगता है कि यार मुझे कुछ तो कमी है. पता नहीं उसे हस्बैंड से प्यार नहीं है या क्या है, उसे पता नहीं चल रहा. वो अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि शायद तुम्हें लोकेशन चेंज करनी चाहिए अपनी वोकेशन की, क्योंकि वो हमेशा एक ही जगह पे जाते हैं. इस बार वो लोकेशन चेंज करते हैं और जाते हैं कहीं आइसी जगह पे, लाइक स्की करने के लिए, आई थिंक कोलोराडो में. तो वहाँ पे पति की मौत हो जाती है और फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं. फिर पत्नी की भी मौत हो जाती है एंड देन पत्नी एंड पति आफ्टर लाइफ फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं. और जहाँ पर वो मिलते हैं वो भी एक दुनिया ही है. वहाँ पे भी वो सेम लाइफ जीना शुरू कर देते हैं एंड एंड ऑफ द डे वाइफ कहती है कि यार की चल रहा है मेरी ज़िंदगी में. तो फिर उससे लाइफ का पर्पस ढूंढती है, नॉट लाइफ, आफ्टर लाइफ का, कि मैं मर भी चुकी हूँ फिर भी हम दोनों साथ हैं तो की चल क्या रहा है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग, यूनिक है. मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने हिम्मत को कहा कि तुम भी देखो. मैंने उसकी स्टोरी सुनाई, वो कह रहा यह बहुत इंटरेस्टिंग, उसने भी देखी है मेरे साथ. All those butterflies. Oh, yeah, that was really cool. Where do you think they were all going? Probably the Grand Canyon. So, उसे भी अच्छी लगी. अगला भी एक ओल्ड टीवी शो है मैड मैन. इसमें आदमियों की दुनिया है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में है ये खूब सारे मैन और उनकी लाइफ चलती है. ये भी काइंड ऑफ 60s का ज़माना है जब लेडीज़ हाउस वाइफ हुआ करती थी. वाइफ की ज़िंदगी कैसे चलती है. जो इस मूवी का मेन करेक्टर है उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि उसका पति उसके साथ समय स्पेंड करे. वो उसको बहुत प्यार करती है और वो उसको बताती भी है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे कितना अच्छा लगता है, कि मैं कैसे मिस करती हूँ तुम्हारे साथ रहना. उनके दो बच्चे हैं. Giving up her model career for a second time and frustrated with the staleness of her domestic life, Betty turns her anger on her neighbor, who had made a threatening comment to her daughter Sally earlier in the episode. If I see that dog in my yard again, I'm gonna shoot it. Loading a BB gun and lighting a cigarette, she opens fire on the pigeons. पर जो पति है उसका शादी के बाहर भी कोई ना कोई तो चक्कर चलता ही रहता है. एक कभी किसी के साथ अगर चलता है, अगर ब्रेकअप होगा तो उसको नई गर्ल मिल जाएगी. सो ऐसे उलझन वाला टीवी शो है ये. मर्दों की दुनिया है ये. और कैसे जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि वो उस पर चीट कर रहा है तो वो कैसे उसको छोड़ देती है और कैसे उनकी सिचुएशन चेंज होती है और पति को रियलाइज़ होता है कि यार उन्हें गलत किया, उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी और सारा डिज़ास्टर कर लिया.
का मेन करेक्टर है डॉन, रियल नाम है उनका जॉन हैम. उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, इतनी परफेक्ट, लाइक वो पूरा उसी करेक्टर में है. लाइक कैसे उससे लोग डरते हैं, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार You're on top of the world. Next minute, some secretary is running you over with a lawnmower. Okay, so last में है catastrophe. I don't know how to pronounce it. ये बहुत ही अजीब है. Catastrophe. ये जो web series है, मुझे पता नहीं था अच्छी लगेगी या नहीं हर एक की तरह, पर इतनी interesting है ये. एक guy है जो American है, एक lady है जो इंग्लैंड से है. वो दोनों किसी ट्रिप पे यूरोप में मिल जाते हैं, आई थिंक पेरिस में. तो उन दोनों को लाइक वन नाइट स्टैंड करते हैं, फिर इन्हें एक दूसरे को इतना अच्छा लगता है, वो पूरा वीक एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. सो पर एक दूसरे के का कॉन्टेक्ट शेयर कर लेते हैं वो, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि वो एक दूसरे से बात करेंगे. पर देन एक दिन वो लड़की फ़ोन करती है अमेरिका वाले गाय को कि मैं प्रेगनेंट हूँ. सो वो हैरान हो जाते हैं कि अब इस चीज़ का क्या किया जाए. जो लेडी है वो अपने 40s में है, तो वो उस प्रेगनेंसी को रखना भी चाहती है. तो फिर जो गाय है वो डिसाइड करता है कि यार मुझे जाना चाहिए, उसकी हेल्प करूँगा मैं बेबी के लिए. सो जब वो आता है हेल्प करने के लिए, फिर वो सोचता है कि यार हमें शादी ही कर लेनी चाहिए. फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ लव नहीं है. जो लड़की है वो टीचर है, जो गाय है वो एडवर्टाइजमेंट में है. उनको एक दूसरे के साथ प्यार नहीं है, पर वो रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोशिश करते हैं एक दो हफ्ते की, देखते हैं प्यार होता है या नहीं. नहीं होता है फिर वो फिर भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स भी कहते हैं कि शादी करना अच्छा है, क्योंकि बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएंगे अगर आपकी शादी होगी. तो फिर वो शादी कर लेते हैं. फिर लाइफ चलती रहती है, उनको एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है, लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड फिर और बच्चा हो जाता है, फिर वो अमेरिका आते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक अनयूजुअल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे वो एक दूसरे को मिलते हैं और उनकी शादी होती है, और कैसे उनका लव होता है एक दूसरे के साथ उनको. It is wrong, isn't it? 'Cause I only met you about 20 minutes ago and I'm pregnant with your baby. I think you should marry me. Are you mental? I'm more proud of us than I am of the kids. The multi-award-winning catastrophe. तो आज के टीवी शोज के लिए बस इतना ही. मुझे लगता है ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, क्योंकि मैं आपके साथ टीवी शोज की क्लिप्स भी शेयर करूँगी, तो बहुत बड़ी वीडियो होगी. अगर मेरे फेवरेट टीवी शो, मुझे लगता है इस पर पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, फ्यूचर में मैं एक और से वीडियो बनाऊंगी. देखते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है. अगर आपने इनमें से कोई टीवी शो देखा है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना, और अगर आपके पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन है तब भी बताना, मैं भी देखूंगी. सो यस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया मिला होगा कि आपको क्या देखना चाहिए. अब मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय. आई लव यू. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.